डीयू में धरने पर बैठी दलित प्रोफेसर। जातिवाद की आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी की मांग। दलित महिला प्रोफेसर के साथ जातिवाद का मामला। ये तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी से आई हैं। डीयू नॉर्थ कैंपस की आर्ट्स फैकल्टी के सामने दलित प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह धरने पर बैठ गई हैं। मेरे साथियों, आपको बर्बाद करने के लिए, आपका चतुरू की विनाश करने के लिए सरकार और दिल्ली पुलिस कोई भी न्याय नहीं दे रही। डॉक्टर रितु सिंह की मांग है कि उनके साथ जातिवाद करने वाली प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए। डॉक्टर रितु सिंह का आरोप है कि दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय ने उनके साथ जातिगत भेदभाव किया और उनके खिलाफ छात्रों के नाम पर झूठी शिकायतें लिखवाकर उन्हें नौकरी से भी निकाल दिया। डॉक्टर रितु सिंह की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने प्रिंसिपल डॉक्टर सविता रॉय के खिलाफ IPC की धारा 565, 468, 471, 120B और SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। लेकिन हैरानी की बात ये भी है कि इन सब के बावजूद भी आरोपी प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई। भाई चांसलर, इन पे कोई एक्शन नहीं ले रहा। इस प्रिंसिपल पे जिसमें इतना सीरियस है और मेरे ऊपर भावना हाथ वाले को ही बताऊंगा। अभी जरा मुकदमा निपटने दो, उसके बाद मैं बताऊंगा ना। फिर उसके बाद हम ही करेंगे ना मुकदमा। फिर कि आपकी वजह से मुझे लंदन जाने के लिए रोक दिया सरकार, प्रिंसिपल, दिल्ली पुलिस, सब लेक्चर देने के अकेडमिक काम के। भाई मैं किसी दूसरे देश में होता, पढ़ाता होता, तो उस एकेडमिक संस्थान के लिए ब्रांड एम्बेसडर होता। सोचिए, और यहाँ पर जो है इतने सीरियस चार्जेस के बाद ये गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ऑलरेडी प्रिंसिपल कुर्सी पर बैठी हुई है। ये मनुस्मृति नहीं है तो क्या है, ये बताओ। ये वर्ग व्यवस्था नहीं है तो क्या है। आज से दिल्ली में उनका अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया। उनके समर्थन में बहुजन समाज के लोग पहुंच रहे हैं। डॉक्टर रितु और डॉक्टर रतनलाल ये बेहद काबिल लोग हैं। बहुजन समाज के लोग जब ज्यादा काबिल हो जाते हैं तो भी लोगों पर चुभने लगता है, लेकिन आप काबिल बनना जारी रखो। आपको यह समझना पड़ेगा कि ये सरकारें जुर्म करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। दिल्ली के अंदर भारत को गौरव देकर ओलंपिक पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाने वाली पहलवान बिटिया इतने लंबे समय तक जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करती रही, लेकिन केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल उठता है कि जब प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, SC/ST एक्ट लग चुका है, तो उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा। आखिर क्यों एक दलित महिला प्रोफेसर को न्याय के लिए यूं सड़क पर आना पड़ रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है
9887 00000640। IFSC कोड है SB0000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।